चीन कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से त्रस्त भारत को मदद मुहैया कराने को तैयार है। चीन ने गुरुवार को कहा कि वो भारत को कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद करने और मेडिकल सप्लाई करने के लिए तैयार है। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते संकट का सामना कर रहे भारत में मेडिकल ढांचा चरमराने लगा है, लिहाजा चीन ने मदद के लिए आगे आने की हामी भरी है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के कोविड 19 ट्रैकर के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण के मामले करीब 16 करोड़ हो चुके हैं, जो कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। भारत में कोरोना महामारी से उपजे संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाई आदि की कमी देखने को मिल रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बदस्तूर बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, तो कई जगह कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने की बात सामने आई है। भारत में महामारी की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि बीजिंग मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मानव जाति का दुश्मन है, इस महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। वांग वेनबिन ने कहा, चीन ने गौर किया है कि भारत में कोरोना की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और वहां इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए चिकित्सकीय संसाधनों की स्थायी किल्लत महसूस की जा रही है। हम भारत को हर जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए तैयार हैं ताकि वो महामारी पर काबू पा सके। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।